बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे अपने आप को इंटरनेट से मुकम्मल तौर पर डिलीट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसे तरीकों के बारे में जिनसे अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप अपने आप को इंटरनेट से मुकम्मल तौर पर डिलीट कर पाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो पहला तरीका है वो है आपके जितने भी सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स हैं या फिर जितने भी शॉपिंग अकाउंट्स हैं उनको आप डिलीट कर दें। ठीक है, अगर आप नॉर्मली देखें तो हमारे पास जितने भी बड़े सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनको अगर हम छोड़ भी दें तो इसके अलावा भी हमें कई हमारे पास कई ऐसे अकाउंट होते हैं जिनके जरिए हम अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो गूगल प्लस हो गया, इसके अलावा माई स्पेस, ठीक है, ये ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिनको हम ज़्यादा यूज़ तो नहीं करते लेकिन फिर भी हमने कहीं ना कहीं उन पर अकाउंट बनाए होते हैं और हम जो अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, अपनी प्राइवेसी को खामखाई खतरे में डाल रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम शॉपिंग की बात करें तो अमेजोन भी आपका अकाउंट हो सकता है, इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपके जो है अकाउंट हो सकते हैं और आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहते हैं तो सिंपली इन सारे अकाउंट्स को आपने डिलीट करना होगा, डीएक्टिवेट करना होगा या फिर रिमूव करना होगा। ठीक है, आप सिंपली आप कह सकते हो कि आपको सेटिंग में जाना होता है, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है क्लोज, डिलीट, रिमूव, डीएक्टिवेट, समथिंग वेरी करते हैं कि आपके वेबसाइट को मद्देनजर रखते हुए आपके अगर वेबसाइट डिफरेंट होगी तो दूसरी उसका प्रोसीजर भी डिफरेंट होगा, आपका कोई नाम भी डिफरेंट हो सकता है लेकिन मोस्टली जो प्रोसेस सेम ही होता है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वहाँ से जो है नहीं मिल रहा ऑप्शन तो आप सिंपली ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और आप कोई भी तरीका ढूंढ सकते हैं कि जिससे कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाए और आपकी प्राइवेसी को खतरा ना रहे। जब फिर भी कुछ नहीं होता तो फिर आपके पास एक ऑप्शन बनता है कि आपकी जितने भी अकाउंट्स हैं वहाँ पे आप फेक इन्फॉर्मेशन डाल दो या फिर कोई भी ऐसी रैंडम इन्फॉर्मेशन डाल दो जो कि आपकी ना हो, इससे आपका जो है प्राइवेसी का खतरे से पार आ जाती है। फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो है रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम डेटा कलेक्शन साइट। कई कंपनी ऐसी होती हैं जिनका काम यही होता है कि वो आपका डेटा कलेक्ट कर रही होती हैं और मोस्टली हम उनको डेटा ब्रोकर्स कहते हैं। ठीक है, अब जो डेटा ब्रोकर्स होते हैं जब भी आप ऑनलाइन होते हैं, जब भी आप इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से आपका डेटा ले रहे होते हैं और आप कभी भी नहीं कह सकते कि आप उनसे बच सकते हैं क्योंकि उनका काम ही यही है, वो कोई ना कोई तरीका ऐसा उनके पास होता है कि जब भी आप ऑनलाइन होंगे आपकी जो है इन्फॉर्मेशन वो लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब इनके अगर हम एग्जाम्पल लें तो whitepages.com, ठीक है, इसके अलावा पीपल फाइंडर, ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपका डेटा ले रही होती है, डेटा कलेक्शन साइट्स हैं। ठीक है, इनको हम डेटा ब्रोकर्स भी कहते हैं। अगर आपको इनसे बचना है तो इनसे सिंपली एक तो प्रोसीजर ये हो सकता है कि आप वहाँ पे इंडिविजुअली जाओ, ठीक है, और वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट करो, उनका जो भी प्रोसीजर होता है इन्फॉर्मेशन रिमूव करने का वो आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो ये अब सवाल ये है कि डेटा लेके तथ्य क्या है। तो जब ये आपका डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, ऑब्वियसली सिर्फ आप नहीं होते, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उन सबके ये डेटा ले रहे होते हैं, स्पेसिफिक एरिया में कोई स्पेसिफिक जो है वेबसाइट काम कर रही होती है, ठीक है, स्पेसिफिक लोग काम कर रहे होते हैं और फिर जब उनके पास इतना डेटा आ जाता है कि कोई भी पार्टी उसमें इंटरेस्टेड हो तो इंटरेस्टेड पार्टी उसमें भेज देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं उस डेटा का वो होता है आपको एड्स वगैरह शो करवाने के लिए। ठीक है, अब जब भी कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो आपको जो है आपको एड्स शो हो रहे होते हैं और वो एड्स होते हैं मोस्टली आपके एरिया के रिलेटेड। ठीक है, तो कोई स्मार्टफोन का एड आ रहा है तो वो आपके कंट्री में जो स्मार्टफोन होगा वो लॉन्च किया गया होगा, ठीक है, आपके एरिया का होगा। ठीक है, इसके अलावा किसी भी गैजेट्स वगैरह का अगर आपको एड्स वगैरह शो हो रहे होते हैं तो वो आपके कंट्री में होते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि एक चीज़ आपको एड शो हो रहा है और वो चीज़ यहाँ पे मिले ही ना, तो वो चीज़ कैसे स्पेसिफाई करते हैं कि ये एड्स कहाँ पे शो होने चाहिए, वो इन डेटा कलेक्शन वेबसाइट से वो फॉलो लेते हैं आप कह सकते हो डेटा, और ये डेटा ब्रोकर्स ही होते हैं जो है एड्स का सही पता दे रहे होते हैं कि ये एड्स यहाँ पे जाने चाहिए, ये एड्स यहाँ पे शो होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये एक सिंपली जाएँ एक वेबसाइट पर और वहाँ पर जाके आप अपना डेटा एडिट करें, ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो सकता है, काफ़ी कन्फ्यूजिंग प्रोसेस हो सकता है। सिंपल सा इसका एक सोल्यूशन ये है कि आप एक सर्विस यूज कर लें डिलीट में जो कि आपको मिलती है avine.com पे। ठीक है, यहाँ पे करते क्या है, अगर आप उनकी सर्विस ले लेते हैं तो एक साल में आपको लाइसेंस इनका मिलता है $130 का। ठीक है, $130 में आपको पर ईयर इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हो जाता है, उसके बाद किसी भी डेटा कलेक्शन वेबसाइट पे आपकी इंफॉर्मेशन ये नहीं रहने देते। ठीक है, हर थोड़े से बाद चेक करते हैं,
हम साल जितने भी डेटा ब्रोकर चेक करने के बाद ये मेक श्योर करते हैं कि आपका डेटा कहीं भी नहीं ले जाएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन किसी भी वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। हमारे पास यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है वो है रिमूव योरसेल्फ डायरेक्टली फ्रॉम वेबसाइट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने मोबाइल फोन की कंपनी की जो वेबसाइट है वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उससे। आपने स्मार्टफोन खरीदा, आपने इंटरनेट यूज करना शुरू किया, कहीं आपको वहाँ पे डेटा नहीं पड़ा, कहीं अगर आपने कोई पोस्ट कोई ब्लॉग ऐसा लिखे साथ किसी फॉर्म पे आपने लिखा है, ठीक है, कोई पुराना है, आप उसे डिलीट कर सकते हैं। और नॉर्मली अगर आप ऐसी चीज़ों के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको वेब मास्टर से कॉन्टेक्ट करना पड़ता है, वेब मास्टर को आप जो है रिक्वेस्ट करते हैं। और नॉर्मली जितने भी वेबसाइट्स हैं प्राइवेट वेबसाइट है वो आसानी से मान जाते हैं, सिर्फ आपको इतना बताना होता है कि आप क्यों डिलीट करना चाहते हैं, आपको सिंपल सा कोई भी रीजन दे देना है तो बड़ी काइंड होते हैं। और आपकी जो है जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी जितनी भी पुरानी पोस्ट वगैरह होती है, आपने जो कुछ भी किया होता है वो आसानी से डिलीट कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है वो रिमूव योर पर्सनल इन्फो फ्रॉम वेबसाइट। ठीक है, अब आपने अपने आप को मुकम्मल तौर पर डिलीट कर दिया, उसके लिए अगर आपको हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है वो रिमूव योर पर्सनल इन्फो फ्रॉम इंटरनेट। ठीक है, अब पर्सनल इन्फो क्या हो सकती है, पर्सनल इन्फो डिपेंड करता है, ठीक है, आप कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि वेब मास्टर को अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं वो आसानी से डिलीट कर देता है। ठीक है, अब कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी हो सकती है जो कि वो कभी डिलीट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई ऐसी पोस्ट किया आपके बारे में जिसने उसे आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर या फिर आपका बैंक अकाउंट नंबर दिया, ठीक है, उसने लिखा और पोस्ट कर दिया। ठीक है, अगर आप वेब मास्टर को कहेंगे कि वो पोस्ट डिलीट कर दो, पहली बात यह है कि वो पोस्ट आपकी नहीं है, ठीक है, किसी और ने पोस्ट किया है और लेकिन उसमें इन्फॉर्मेशन है आपकी है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वेब मास्टर कभी भी डिलीट नहीं करने वाला ऐसी पोस्ट। ठीक है, तो आपको सिंपल करना क्या होता है, आपको गूगल को कॉन्टैक्ट करना होता है। ठीक है, गूगल को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन वाली पोस्ट है वो डिलीट हो जाएगी, लेकिन एक उम्मीद होती है कि हम वो डिलीट कर देंगे। तो अगर आपको कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऐसी कर देता है तो आपको इन वेब मास्टर वगैरह के चक्कर पड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कभी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन डिलीट नहीं करते, ऐसी पोस्ट डिलीट नहीं करते। तो आपको सिंपल गूगल से कॉन्टैक्ट करना होता है और गूगल शायद फिर कर दे तो आपका काम हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिमूव आउटडेटेड सर्च रिजल्ट। अब इसके एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय थे, ठीक है, वहाँ पे जो है उनका एक वेब पेज था, उस वेब पेज में सारी ब्रश की लिस्ट थी। ठीक है, उसके बाद आपने जॉब चेंज कर दी, उस कंपनी से आप निकल गए और कंपनी का जो मैनेजर था उसका जो वेब पेज वगैरह को मैनेज कर रहा था उसको आपने कहा कि आप उसका डेटा डिलीट कर दें, आपका डेटा डिलीट हो जाए और उसने वो कर दे दिया। ठीक है, आपको वहाँ से सारा कुछ खाली हो गया। उसके बाद आपने कुछ हफ्ते बाद चेक किया, आपने गूगल पे सर्च किया उनकी वेब पेज को, उनकी वेबसाइट को, तो वहाँ पे आपका नाम आ रहा था, हालांकि आपने नाम पे जब क्लिक किया तो वहां पे उस लिंक पे कुछ शो नहीं हो रहा था आपको। ठीक है, कोई आपकी इन्फॉर्मेशन वहां पे नहीं पड़ी थी, लेकिन फिर भी आपका नाम जो है वो सर्च रिजल्ट्स में आ रहा था। अब इसकी क्या वजह हो सकती है, वहां पे हो सकता है उन्होंने तो डिलीट कर दिया आपको, आपका नाम पे शो क्यों हो रहा है, उसकी सिंपल सी वजह ये हो सकती है कि आपका जो नाम है वो अभी तक गूगल सर्वर्स में अटका हुआ है। ठीक है, वहां पे डिलीट नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास एक टूल काम में आता है जिसे हम कहते हैं URL रिमूव टूल। ठीक है, जिसकी मदद से आप करना क्या होता है, उस वेब पेज का आपको लिंक उठाना होता है। ठीक है, जिस वेब पेज पे आपकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पड़ी है जिसे आप कह सकते हो कि नहीं होना चाहिए था, इन्फॉर्मेशन नहीं कह सकते लेकिन फिर भी आपका नाम तो आ रहा है जो कि ऑब्वियसली नहीं आना चाहिए था, तो आपने वो URL जो है देना होता है उस टूल में। ठीक है, उसके बाद आप गूगल को सेंड कर सकते हो और गूगल जो है अपने सर्वर्स को अपडेट कर देगा या फिर जो भी चेंजिंग करनी होती है वो फिर गूगल काम होता है और आपका काम जो है आसानी से फिर बन जाता है। और फाइनली दोस्तों हमारे पास यहाँ पे जो लास्ट स्टेप है वो है रिमूव योर ऑल ईमेल अकाउंट। जितने भी आपके ईमेल अकाउंट्स हैं उन्हें डिलीट कर दें, डीएक्टिवेट कर दें या फिर क्लोज कर दें। जी हाँ दोस्तों, आपका जो ईमेल डिलीट करने का डीएक्टिवेट करने का जो प्रोसेस है वो वैली कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक अकाउंट याहू पे है, दूसरा अकाउंट आप कह सकते हो जीमेल पे है, इन दोनों को जो डीएक्टिवेट यहाँ पे क्लोज करने का प्रोसेस होगा वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, मोस्टली सेम ही होता है। इसके अलावा कुछ अगर आप ईमेल ऐसी भी हैं, कुछ साइट्स ऐसी भी हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स जिन्हें हम कह सकते हैं कि अगर आप वहाँ से उनकी सर्विस को क्लिक करते हैं, ठीक है, आप अपना अकाउंट डिलीट करते हैं तो उसके बाद भी वो कुछ अर्सा के लिए एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो आपके जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो स्टॉप हो जाती है सबको। ठीक है, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, उसकी सिंपल सी वजह ये है कि अगर आपका माइंड बदल जाता है और आप फिर से यूज करना चाहते हो आप वहीं से उसे कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आपने अपने आप को इंटरनेट से डिलीट करना है, फिर आपने उसे यूज नहीं करना और आपने हर जितने भी अकाउंट जितने भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ 6 पॉइंट्स इनको आपको फॉलो करना होगा, उसके बाद अपने आप इंटरनेट से मुकम्मल तौर पर डिलीट कर पाएंगे।
दैट्स ऑल वी हैव इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन, होप टू सी यू अगेन।